आरटी प्रवेश घोटाले के मास्टरमाइंड शाहिद शरीफ के कहने पर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले आरोपी को सदर पुलिस ने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। मणिभर से पुलिस को चकमा दे रहे इस आरोपी को जाल बिछाकर गिरफ्तार किए जाने से इस घोटाले की महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम शुभम चंद्रशेखर बूटे, उम्र 27 साल, हुड़केश्वर निवासी है। आरटी प्रवेश घोटाले में 21 बालकों पर सीतापटी और सदर पुलिस थाने में मामले दर्ज होने के बाद खलबली मच गई है। इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने शुभम द्वारा आरटी प्रवेश के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने की बात बताई थी। ऐसे में सदर पुलिस ने आरोपी शुभम की सक्करदरा स्थित दुकान पर छापा मारकर वहां से प्रिंटर और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी शुभम फरार था और पुलिस ने उसके हुड़केश्वर स्थित घर की तलाशी ली, लेकिन वह वहां पर नहीं मिला। मणिभर से सदर पुलिस शुभम की तलाश में थी। आखिरकार शनिवार को शुभम के हुड़केश्वर परिसर में आने की गोपनीय जानकारी सदर पुलिस को मिली और इस आधार पर जोन 2 की पुलिस उपायुक्त राहुल मते, सदर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विजय मेहत्रे, अमोल दौदलकर, संजय यादव और विशेष जांच दस्ते के प्रमोद क्षीरसागर ने शनिवार सुबह 8:30 बजे से हुड़केश्वर परिसर में जाल बिछाकर रखा। रात करीब 8 बजे आरोपी शुभम के हुड़केश्वर परिसर में आते ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो आरटीआई चा गुन्हा दोन गुन्हे अपन दाखल के लिए अनुषंगाने एक पुलिसांना मोठे यश आले। त्याच्यामध्ये जो मुख्य आरोपी आहे त्याचा जो साथीदार आहे, जो मुख्य साथीदार आहे त्याचा, की जो वेळोवेळी वेगवेगळे डॉक्युमेंट फेक डॉक्युमेंट बनवून देत होता, रहिवाशी दाखले फेक बनवत होता, त्याचप्रमाणे तो त्याच्यामध्ये जे ॲग्रीमेंट करत होता राहण्याच्या संबंधी, तर त्या संदर्भात जो शुभम चंद्रशेखर बुटे आहे आपण त्याला रात्रीकाल अटक केलेली आहे आणि त्याच्याकडून निश्चितच आपल्याला चांगल्या प्रकारे मूळ लिंकपर्यंत आपण जाऊ शकतो आणि जो मुख्य आरोपी आहे त्याच्यापर्यंत आपण जाऊ शकतो। आतापर्यंत या सर्व गुन्ह्या टोटल ह्याच्यामध्ये आपण 9 आरोपींना अटक केलेली आहे। त्याच्यामध्ये जे 3 आरोपी आहेत जे मुख्य आरोपीच्या संबंधित आहेत आणि त्यांना मदत केलेल्या आहेत, बाकी सर्व पालक आहेत, त्यापैकी 2-3 पालकांच्या ह्याच्यामध्ये बेल झालेले आहेत। तो बाहेर आहे सध्या, जी आम्हाला माहिती मिळाली ऑफिसियली त्याच्या दृष्टीने तो परदेशात आहे, परंतु निश्चितच आम्ही त्याच्यापर्यंत पोहोचू। त्याचा व्हिजा किंवा त्याचं लुकआउट सर्क्युलरसुद्धा आम्ही त्यासंबंधी निघालेला आहे, त्यामुळे तो लवकरच आम्ही त्यासंबंधी त्याला ताब्यात घेऊ। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।